भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया। इसके बाद अब लखनऊ और कोलकाता में होने वाले वनडे, जो कि दोनों वनडे मुकाबले हैं, उस पर कोरोना वायरस का खतरा है। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 के खतरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल सीरीज के बाकी बचे दो मुकाबले खाली स्टेडियम में खेले जाने की संभावना है। खेल मंत्रालय ने परामर्श जारी करके कहा है कि अगर किसी खेल प्रतियोगिता को स्थगित नहीं किया जा सकता है तो फिर भारी संख्या में दर्शकों के बिना इनका आयोजन किया जाना चाहिए। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा है कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय का परामर्श मिला है, अगर हमें भीड़ जुटाने से बचने की सलाह दी जाती है तो हमें उसका पालन करना ही होगा। दुनिया भर में महामारी के रूप में फैल चुके खतरनाक कोरोना वायरस के कारण दुनिया में कई टूर्नामेंटों को रद्द किया या स्थगित किया जा चुका है, तो भारत में 29 मार्च से होने वाली लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल पर भी खतरे के बादल हैं। ऐसे में अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बचे हुए दो वनडे मुकाबले को लेकर आशंका जताई जा रही है। तो भाई, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना था, बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया और मैच रद्द हो गया। तो भाई, आपको बता दें कि बाकी के दो मुकाबले अब 12 मार्च को, जो कि आज रद्द हो गया, उसके बाद 15 मार्च को है दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाएगा लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, और 18 मार्च को कोलकाता के इडन गार्डन्स में। आपको बता दें कि 12 मार्च को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला वनडे मुकाबला था धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे। उसके बाद 15 मार्च को दूसरा मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे, और 18 मार्च को फिर से इंडिया वर्सेज दक्षिण अफ्रीका आखिरी वनडे मुकाबला कोलकाता के इडन गार्डन्स में इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बजे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।